अरे हाँ हाँ यार, ग्रैंडपा तो देखो हिल भी नहीं पा रहा है। चलो चलो ग्रैनी को भी फ्रीज कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये मैं फ्रीज कैसे हो गई? अरे मैं तो हिल भी नहीं पा रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अरे काहे की वीडियो वीडियो छोड़ो, वीडियो वीडियो मैं तो चला। हे ऐसे कैसे हम लोग तुम्हें जाने देंगे, तुम्हारी तो यहाँ खास जरूरत है। अरे लेकिन मेरी यहाँ पर जरूरत क्या है तुम्हें? अरे तुम नहीं होगे तो पूछेगा कौन कि आज हम लोग क्या बने हैं। अरे लेकिन वैसे सच बात है, आज हम लोग क्या बने हैं। गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग बताएं कि आज हम लोग क्या बने हैं। अरे सबने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अब हमें पता नहीं पड़ेगा कि आज हम लोग बने हैं आइसक्रीम मैन। अरे एक बार फिर से हम लोग आइसक्रीम मैन बने हैं क्या? अरे हाँ, अभी तो बने थे हम लोग आइसक्रीम मैन, एक बार फिर से बन गए। उसमें तो हमने ग्रैनी वन खेला था, अभी हम लोग ग्रैनी टू खेलेंगे। हाँ उसकी बुजिया मुझे फ्रीज किसने कर दिया? आपके अपने आइसक्रीम मैन ने आपको फ्रीज किया है। हे, ये तो मजेदार काम हो गया, हमने एक बार फिर से ग्रैंडपा को फ्रीज कर दिया। अरे हाँ हाँ यार, ग्रैंडपा तो देखो हिल भी नहीं पा रहा है। चलो चलो ग्रैनी को भी फ्रीज कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये मैं फ्रीज कैसे हो गई? अरे मैं तो हिल भी नहीं पा रही। ग्रैनी बहुत हिल लिया, अब थोड़ा आराम कर। कलमू आइसक्रीम वाले, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से हिलने की कोशिश करती हूँ। अरे दोस्तों ये ग्रैनी तो सरेआम धमकी दे रही है। अरे वो धमकी दे जाए कुछ भी दे, जब तक वो हिलेगी हम लोग यहाँ से एस्केप भी कर चुके होंगे। चलो हमें क्रोबार भी मिल गया। अबे चलो अब आ चुका है अनबॉक्सिंग का टाइम, तो क्यों ना आइसक्रीम पले के स्टाइल में हो जाए अनबॉक्सिंग। हाँ जरूर क्यों नहीं। तो गाइस आज हम खोलने वाले हैं डब्बा और इस डब्बे में निकला है कटिंग प्लायर्स। हे अब चलो दूसरे डब्बे के पास। तो गाइस अब बारी है दूसरे डब्बे की, इसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। फ्रांस की कुछ कुल्फी वाले, मेरे को आजत करा दे, मैं हेल भी नहीं पा रहा। तो गाइस इसमें है स्पार्क प्लग, हमारे दोनों ही चीजें बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। अरे यार ये क्या हो गया, एक में स्पार्क प्लग एक में कटिंग प्लायर। ये देखो ग्रैंडपा को हमने दूसरी शक्ति से भी मार दिया। अरे वायर इस आइसक्रीम वाले के पास तो बहुत ही अलग अलग शक्ति है, लेकिन आज हम लोग करने वाले हेलीकॉप्टर एस्केप गाइस। अरे फटाफट से खोल दो सिक्योरिटी की से दरवाजा। चलो ये दरवाजा तो खुल गया, इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमें। अरे यार इसके अंदर तो डोर हैंडल है। एक बात बताओ, तुम्हें भी हेलीकॉप्टर एस्केप करना है जो कि सबसे लंबा और टफ होता है। अबे जो लंबा और टफ होता है उसी को तो खत्म करने में किक मिलती है ना। चलो भाई फटाफट से ऊपर चलते हैं और सीनरी बनाना तैयार कर देते हैं। हे वैसे हम सीनरी क्यों बना रहे हैं, हमारे क्या काम आएगी सीनरी? अरे यार बेचारे की गलती नहीं है यार, ये बेचारा पहली बार ही आया ना ग्रैनी टू के घर में। अबे भाई हम लोग क्या है, ये सीनरी बनाएंगे ना, उसके बाद आगे का दरवाजा खुलेगा। अच्छा ऐसा होता है क्या, मुझे भी नहीं पता था। चलो तो फटाफट से सीनरी बना दो। हे तो सीनरी मेरी ही बनेगी, अच्छे से बनाना मेरी सीनरी। अरे बुद्धू सीनरी बनानी नहीं है, हमारे पास सीनरी के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, वो ढूंढ के हम लोगों को यहाँ लगाने हैं। अरे हाँ पुरैमन भैया, वैसे सीनरी होगी किसकी? अबे वो सीनरी है ग्रैंडपा की। क्या कहा, हम लोग ग्रैंडपा की सीनरी बना रहे हैं। अरे यार ये देखो ना, हमें अपने दुश्मनों की ही सीनरी बनानी पड़ रही है बार बार। हे अब आएगा मजा, अब हमारे पास आ चुकी है गन। ये तो बेंटन के एलियन को गन पकड़वाने जैसी हो गई बात। अरे क्या कह रहा है, बेंटन कहाँ से आ गया बीच में? उसके पास भी इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं किसी को मारने के लिए, और उसको गन दे दो तो कोई शक्तियाँ काम ही नहीं आएंगी। हाय राम, ये आइसक्रीम वाला तो पागल हो गया, बार बार मारे जा रहा है मारे जा रहा है। अरे ग्रैनी की बच्ची, अगर हम आइसक्रीम वाले नहीं होते तो तू हमें इसी तरीके से बार बार मारती। हाँ और ग्रैनी मारती है तो वो छोड़ती भी नहीं है, वो लेटा लेटा के मारती है हमें। हाँ इस ग्रैनी के साथ तो ऐसा होना चाहिए। चलो भाई फटाफट से नीचे चलते हैं और स्पाइडर बेबी को बताते हैं। अबे बुड्ढे तू भी आ गया क्या? फांस की डायलॉग तो पूरा करने दे देते हैं। पद में जब हम लोग एस्केप कर ले चले जाए ना, उसके पद मारते रहना जितने डायलॉग मारने हैं। फटाफट से इसको उठाओ और चलो। अरे वाह ये देखो ये सीनरी पड़ी हुई है, फटाफट से इस पिक्चर को उठा के ऊपर लगा देते हैं। हाँ ये लगा दी हम लोगों ने पिक्चर, और अब हमें चाहिए इसका लास्ट पीस। चल के लास्ट पीस भी ले आते हैं। अरे हाँ लास्ट पीस भी ले आओ, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तो सिर्फ दरवाजा खुलेगा, हमें तो और भी चीजें चाहिए एस्केप करने के लिए। अरे नोबिता डरो मत, सब चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले ये पीस तो लगाते हैं, हम लोगों को पीस तो मिल गया। हे चलो अब बोलो खुल जा सिम सिम, फिर दरवाजा खुल जाएगा। हाँ दरवाजा तेरे खुल जा सिम सिम करने से खुल गया, हमने जो मेहनत करी वो कुछ भी नहीं। हे अब ये क्या चीज है भला? अरे ये है निशानेबाजी। अरे ये पजामाबाजी क्या होती है? अरे बुद्धू पजामाबाजी नहीं निशानेबाजी, यहाँ पर हमें गन से शूट करना है और उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा अगर हम लोग तीनों शूट कर देते हैं तो। हे तो मेरे से ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है निशानेबाजी में, निशाने मैं ही लगाऊंगा।
अरे वैसे कुछ निशाने मैं भी अच्छे से मान लेता हूँ। अबे चल चल पपीते, तेरे को क्या निशानेबाजी आएगी, निशाने तो मैं मारूंगा। हे देखो निशाने मैं ही मारूंगा सिर्फ। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, निशाने मैं मार के एस्केप कर लेता हूँ। हे तुम तो बिल्कुल भी चुप रहो, चलो मैं अभी गन ढूंढता हूँ, स्टन गन, उसके बाद मैं निशाने मारूंगा। ये मिल गई मुझे स्टन गन, अब निशाने तो मैं ही मारूंगा, अब मैं नहीं दे रहा तेरे को स्टन गन। हे देखो स्टन गन मुझे दे दो निशाने, क्योंकि मैं ही मारूंगा। हां की कुछ कुल्फी वाले। अरे यार तुम लोगों ने अभी भी ग्रैंडपा को डायलॉग पूरा करने नहीं दिया। ऐसे कैसे डायलॉग पूरा करने देते हैं हम लोग ग्रैंडपा को भला। हे एक काम करो, एक निशाना तुम मारो और एक मैं, देखते हैं कौन है बेस्ट निशानेबाजी में। चल चल देख तू अब प्रो से मिल रहा है, ये देख ये लगा निशाना। अरे देखा तुमसे निशाना लगा ही नहीं, पहले ही उचकते रहते हो। अरे गाइस यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो मनोजोपी, ताकि यार निशाना लग जाए, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे लग गया निशाना लग गया, दो में से एक शॉट लगा। हे अब दो चांस है मेरी है। बतोले बस गोरिल्ला भैया आपसे देखो निशाना लगा ही नहीं। अरे एक चांस मुझे भी तो दे दो। चल चल दे दे यार इसको चांस यार, वैसे इससे निशाना तो लगने नहीं वाला। अरे हाँ ये देखो। अबे ये क्या एक तीर से दो निशाने कर दिए तूने? अरे मैंने तुम लोगों को कहा ही था कि मेरे को निशानेबाजी अच्छे से आती है। मैं नोबिता तो निशानेबाजी में एकदम प्रो है प्रो। अच्छा बिल्कुल काउबॉय शेफ की तरह। हे क्या कहा, शेफ की तरह? शेफ है तो खाना तो अच्छा बनाता होगा, मेरे लिए भी खाना बना देना नोबिता तुम अब। अरे काउबॉय शेफ नहीं होता, काउबॉय चीफ होता है, चीफ। अरे हाँ वही वही, वो देखो ग्रैनी और ग्रैंडपा जा रहे हैं, इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और ग्रैनी फ्रीज हो के क्या ऐसा लग रहा है? रुक जा कलमुए, एक बार फ्रिज से निकल के देखूं, उसके बाद तेरे को फ्रिज में जमा के पूछूंगी मैं कैसा लग रहा है। ग्रैनी तब तक तो हम लोग उड़न छू हो जाएंगे। अरे ये क्या उठा लिया तुमने फ्यूज ब्यूज? अबे इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, इसको हम लोग वहाँ लगाएंगे, उसके बाद आगे जा पाएंगे हेलीकॉप्टर के पास। अरे तुम लोग एक बात बताओ, अभी तक हेलीकॉप्टर की शक्ल तक नहीं देखी तो हमारा एस्केप क्या खाक होगा? अरे नोबिता हमें सिर्फ फ्यूज लगाना है और उसके बाद एक टेप चाहिए, गैसोलीन चाहिए और सिर्फ हेलीकॉप्टर की चाहिए, उसके बाद हमारा एस्केप हो जाएगा। अच्छा अच्छा बस तीन चार आइटम चाहिए ना, तीन चार आइटम में तो हमारा डोरेस्केप ही हो जाता। वो क्या है ना, जो चीज टफ होती है यार उसमें अपने को किक मिलती है यार, तुझे पहले भी बताया था, दोस्तों से पूछ ले यार। गाइस यार अगर आपको हेलीकॉप्टर एस्केप पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना फिर कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट एस्केप हम लोग क्या बनाए। हे चलो अब हम फटाफट से टेप ले आते हैं, और टेप मुझे पता है कहां मिलता है। ये ग्रैनी तो देखती हुई रह जा रही है, ये हमें टेप भी मिल गया, तू ग्रैनी यही रहे हमारा एस्केप भी हो जाएगा। अरे वाह हमें तो टेप मिल गया, अब हमें सिर्फ गैसोलीन और हेलीकॉप्टर की चाहिए। हे वैसे एक बात बताओ, ये हम टेप से पंखड़ी जोड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर की, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश तो नहीं हो जाएगा? अबे यार पता नहीं यार, असली में अगर हम लोग टेप से पंखड़ी जोड़े ना हेलीकॉप्टर की, पता नहीं कहां जाके मिले हेलीकॉप्टर। सही कह रहे हो, एक पता नहीं कौन से पेड़ पे लटका हुआ मिले और एक जमीन के अंदर। अरे तुम्हारी बातें हो गई हो तो हम पटापट से गैसोलीन और हेलीकॉप्टर की ले आए। अरे हाँ हाँ चल रहे नोबिता, तुम डरो मत, हमारा एस्केप कंप्लीट हो ही जाएगा, फटाफट से ले आते हैं हम लोग। अरे भाई मुझे लग रहा है अब बारी आ चुकी है, हमें स्पाइडर बेबी के कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। अरे वाह मेरे को खिलौने वाली चाबी मिली है, इसको मैं हिमावरी को दे के आऊंगा, वो भी खिलौने चलाएगी अपने इस चाबी से। अबे बुद्धू ये हेलीकॉप्टर की है, इसी से तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अरे ये हो क्या रहा है, टेप से हम लोग हेलीकॉप्टर की पंखड़ी जोड़ रहे हैं और खिलौने वाली चाबी से हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, पता नहीं हम लोग घर भी सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं। अरे पहुंच जाएंगे टेंशन मत लो, हमें सेफ की मिल गई है, फटाफट से चल के सेफ को खोलते हैं, क्या पता हमें गैसोलीन भी मिल जाए। हे दोस्तों फटाफट से देखते हैं, काश इसमें गैसोलीन ही हो। अरे वाह इसमें तो गैसोलीन है, वैसे हमें गैसोलीन का करना क्या है? अरे बुद्धू गैसोलीन को हमें उठा के हेलीकॉप्टर के अंदर जाना है, जिससे गैसोलीन से हेलीकॉप्टर उड़ेगा। चलो फटाफट से गैसोलीन भर देते हैं हेलीकॉप्टर में, उसके बाद चाबी किसके पास है, हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले हैं। चाबी तो मैंने स्पाइडर बेबी वाले कमरे में छोड़ दी थी। Oh, no. अबे यार किन किन बुद्धुओं से पाला पड़ चुका है यार, हमें चाबी की जरूरत थी यार। चलो भाई लोग फटाफट से चाबी ले आते हैं और उसके बाद करते हैं एस्केप। अरे वाह हमारा एस्केप कंप्लीट होने ही वाला है, चलो चलो फटाफट से ले आते हैं चाबी। ये मिल गई हमें चाबी, चलो फटाफट से चलते हैं हेलीकॉप्टर के पास, उसके बाद करते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर एस्केप कंप्लीट। अरे वाह भाई हम लोगों ने आखिर आइसक्रीम मैन बन के हेलीकॉप्टर एस्केप कंप्लीट कर ही लिया। हे हेलीकॉप्टर तेरा भाई उड़ाएगा। रुक जा बेटे अभी बताता हूँ तुझे मैं। अरे वाह आइसक्रीम मैन ने तो गोरिल्ला भैया को भी जमा दिया। अरे वाह तुमने पूरी वीडियो का
का सबसे अच्छा काम किया अभी। वैसे ये जियान सुन सकता है। अरे क्या कहा, तो ये बात पहले बतानी थी ना तुम्हें मुझे। बाय बाय ग्रैनी और ग्रैंडपा, हम तो चले। अरे ग्रैंडपा ये हो क्या रहा है, आम कुल्फी वाले भी हमारे घर से एस्केप करके निकल जा रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।